राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन फूड रेसिपी में। आज ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। आप इस तरह से आलू की सब्ज़ी एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने साबुत आलू बनाए, आलू मैंने कट नहीं करे हैं। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी बनी है। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए एक बार। तो चलिए आगे, ये मैंने कैसे बनाई है आगे देखते हैं वीडियो में। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 10-12 कली लहसुन की ली थी जो मैंने क्रश कर ली हैं। ये आलू हैं, टमाटर 3-4 प्याज हैं, एक अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च हैं। प्याज मैं बारीक काट लूँगी, टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। और ये आलू मैंने ये फोक से थोड़ा सा इनमें अंदर कर दूँगी ताकि मसाला अच्छे से इनमें चला जाए। सारे आलू इसी तरह से मैंने कर लूँगी। और ये अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आज ये मैं सब्ज़ी अपनी कुकर में बनाऊँगी। तेल मेरा गरम हो चुका है, अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा। और ये लहसुन जो मैंने क्रश करके लिया था वो डाला है। ये 1 चुटकी हींग डाली है। अब हम प्याज डालेंगे इसमें। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसी के साथ अब हम मसाले डालेंगे। ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालूंगी, 1/2 नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऑल सेपरेट होने तक भूनेंगे 2 से 3 मिनट। हमारे मसाले टमाटर सब अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें आलू डालेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। जितना पानी हमें यहाँ चाहिए हम उतना ही पानी डालेंगे। कुकर में ना पानी सूखता नहीं है, तो आपको जितनी पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए है तो आप उसी हिसाब से पानी डालिए यहाँ पर। अब इसकी हम लिट बंद करके इसमें 5 से 6 सीटी आने देंगे फुल फ्लेम पर। पाँच से छः सीटी आ चुकी हैं मेरी। कुकर को होने देते हैं ठंडा।
कुकर ठंडा हो चुका है तो हम खोल लेते हैं इसे। देखो सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और सब्जी हमारी बनके तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए एक बार सब्जी।